शुक्रवार को की लता मंगेशकर को कोरोना की चपेट में आने के बाद मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल के आईसीयू में रविवार 9 जनवरी सुबह भर्ती करवाया गया था। फैंस के बीच उनकी हेल्थ को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक 92 वर्षीय लता मंगेशकर को उम्र के कारण कई अन्य समस्याएं भी हैं। इसके चलते डॉक्टर उनका खास ख्याल रख रहे हैं। वहीं उन्हें कोविड के साथ निमोनिया भी है। अगले 8-10 दिन डॉक्टर्स उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। लोअर परेल स्थित लता ताई के निवास प्रभा कुंज की हालत सही नहीं है। प्रभा कुंज में अकेली लता ताई कोरोना पॉजिटिव नहीं है। बिल्डिंग में करीब 4 से 5 लोग और संक्रमित हैं। बिल्डिंग में फिलहाल बाहरी लोगों और ड्राइवर्स की एंट्री भी बंद है। करीब 2 साल से घर की बालकनी में भी लता ताई कम ही दिखाई दी हैं। कोई 4 साल से उनका रियाज भी रेगुलर नहीं है। लता मंगेशकर की भतीजी रचना ने बताया कि लता ताई की हालत स्थिर है। आप सब लोग दुआ करिए ताई जल्दी ठीक होकर घर वापस आ जाए। उन्होंने बताया कि ताई को वैक्सीन के 2 डोज लगे थे, उसके बाद भी वो संक्रमित हो गई हैं। फिलहाल वे डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर उनका फ्लैट है। साथ ही उसी बिल्डिंग में उनकी बहन उषा मंगेशकर, भाई हृदयनाथ मंगेशकर और उनका पूरा परिवार रहता है। आशा भोसले अशोका टावर लोअर परेल में रहती हैं। जब हमने लता मंगेशकर के बारे में उनकी बिल्डिंग के लोगों और पड़ोसियों से बात करनी चाही तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। उन्होंने हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि हम लगभग 15 साल से यहीं रह रहे हैं। पहले लता ताई नजर आ जाती थी, कई बार बालकनी में बैठी होती थी या लिफ्ट से उतरते वक्त दिखती थी, लेकिन 2019 में बीमार होने के बाद वे हमें 1 या 2 बार ही नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।